الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. आवाज साफ करिया जे, हाल विच वैसे ही बड़ा शोर होंदा है, जिन्नी साफ होवे उन्नी करिया जे, तुहाडी मेहरबानी। मैं शोर दा कायल नहीं जे, ना मैं इको दा कायल, इको बिल्कुल इहनू मुर्दा कर दिओ इको। अलहम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमनून बिल्लाह। सारिया उम्मतां तो बेहतरीन उम्मत जे, क्योंकि तुसी लोकां नूं अच्छाई दा हुक्म देंदे हो, बुराई तो मना करदे हो, और खुद भी शरीयत पाक ते अमल करदे हो। मुअज्जज़ समईन हजरात, इस उम्मत मुहम्मदिया नूं अल्लाह ने सारिया उम्मतां तो बेहतर करार दिता। क्यों करार दिता? क्या इन अंदर हुसन ज्यादा है? नहीं, बकिया उम्मत अंदर भी बड़ा हुसन मिलेगा। क्या इन दे अंदर माल ज्यादा है? नहीं, बकिया अंदर भी बड़ा माल मिलेगा। क्या इस उम्मत दे कद काठ बड़े ने? नहीं, और उम्मतां दी अंदर इस तो भी बड़े बड़े कद काठ दे लोग मिलनगे। आखरों केड़ी खूबी जड़ी रब्बुल आलमीन नूं पसंद आई, अल्लाह ने इन्हां नूं बेहतर उम्मत करार दिता, वो खूबी अल्लाह ने आप ही बयान फरमा दीती। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुसी सारिया उम्मतां तो बेहतरीन उम्मत हो। उखरजत लिन्नास, तुहानू ते मैं पैदा ही लोकां वास्ते कीता, तुहानू सारिया जितने उम्मत हो, उम्मत मुहम्मदिया इस वक्त सारी दुनिया यहूदी ईसाई सिख हिंदू बुद्ध मजहब मुसलमान सारे ही उम्मत मुहम्मदिया ने सारे। लेकिन इस उम्मत दिया दो किस्म, एक है उम्मत इजाबत, एक है उम्मत दावत। उम्मत दावत हो गए जेड़े मन्ने नहीं, लेकिन उन तक दावत पहुंच गई, कईयां तक पहुंची, कईयां तक पहुंच रही है। और उम्मत इजाबत जिन्हां ने अल्लाह दे रसूल अली सलाम नो कबूल कर लिया, वो है उम्मत इजाबत। हुण उम्मत इजाबत नो वाज हो रहा है। उम्मत इजाबत हर कलमा को उम्मत इजाबत नहीं, कलमा पढ़न वाले चो उम्मत इजाबत ओ जिन्हां ने अपना ईमान बिल हदीस बनाया, कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, हदीस भी वही है,
और वही तो हदीस तो बगैर दीन ना मुकम्मल है। जिन्होंने यह अपना ईमान बनाया उम्मत इजाबत और उम्मत इजाबत नु वाज़ हो रहा है, फरमाया उखरजत लिन्नास, तुहानू ते मैं पैदा ही लोकां दे वास्ते कीता है। अल्लाह कई लोग कहते ने शायद सानू पैदा किया ही जिमीदारा करन वास्ते, फरमाया नहीं या अल्लाह पैदा किया ही सिर्फ कारखाने चलाने वास्ते, फरमाया नहीं या अल्लाह सिर्फ पैदा किया ही दुनिया कट्ठी करन दे वास्ते, फरमाया नहीं अल्लाह तू कादे वास्ते कीता, फरमाया उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमनूना बिल्लाह। मैं इस वास्ते पैदा कीता, इस वास्ते पैदा कीता कादे वास्ते, ताके तुसी लोकां नू दीन वल बुलाओ, तुसी लोकां नू अच्छाई दा आर्डर देवो, इन्हां नू बुराई तो मना कर देवो। हजरात उन बात ते तवज्जो फरमा दे डाया जे ए उम्मत इजाबत, मैं तुहानू मुखातब करके वाज कर रहा, तुहानू अल्लाह ने लोकां दे वास्ते पैदा कीता है कि तुसां लोकां नू हक वल आना है। हजरा सब तो पहले दीन पढ़ना है ते बच्चियां नू पढ़ाना है, लेकिन सारी दी सारी दुनिया मैं ये नहीं कहता कि सारे दे सारे मौलवी बन जाओ, ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि सारे दे सारे तुसी मदरसियां दे अंदर दाखिल हो जाओ। हजरात मैं तुहानू यह नहीं कहिंदा कि सारे दे सारे तबलीग ते टुर पवो, लेकिन मैं तुहाडे सामने ये बात अर्ज करना चाहना वा, तुहाडे चो एक जमात ऐसी होनी चाहीदी है जिहड़ी दीन नू समझे। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफतन फलौला नफर मिन कुल हाफजा दे जलसे कुरान भी बड़ा सोच समझ के पढ़ना पैंदा है। उधर हाफिज शहबाज साहब, हाफिज रियाज साहब, अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल जिवें सारे भरा रल के दीन दा कम कर रहे ने, अल्लाह होर तौफीक देवे ते अल्लाह तला दूजिया भरावान भी तौफीक देवे जेडे इन्हां बरादरां तो इलावा ने, भावें तीन दे ने, चार दे ने, पांच दे ने, पूरे पाकिस्तान दे ने, अल्लाह सारियां नू दीन दा कम करन दी तौफीक देवे। सूरते तौबा ते आयत नंबर 122 आ गई है। रब्बुल आलमीन दा हुण कुरान सुनिया जे, कुरान फरमाया वा मा कानल मुमिनून लियनफिरू काफा, फरमाया इन्हां सारियां मोमिना नू महाजा ते नहीं टुर जाना चाहीदा। फलौला नफर मिन कुल फिरकाति मिनहुम ताइफतुल यतफक्कहू फिद्दीन, इन्हां दे विचों एक जमात एक गिरोह ऐसा क्यों नहीं खड़ा होया कि जेड़ा दीन दी समझ हासिल करे, कुराने पाक नू पढ़े, नाजरा पढ़े, हिफज करे, फिर तर्जमा पढ़े, फिर तफसीर पढ़े, फिर फनून दियां किताबां पढ़े, फिर हदीस दियां किताबां पढ़े, फिर शुरूहात पढ़ के ते समझे दीन नमाज किवें वे, नमाज अंदर जैत अमूर केड़े ने, नजैत केड़े ने, नमाज
ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਸੇ ਦੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਜਾਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋ ਪੂਰਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਉਲਾ ਨਫਰਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲੇ ਫਿਰਕਤਿਨ ਮਿਨਹੁਮ ਤਾਇਫਤੁਨ ਲਿਯਤਫੱਕਹੂ ਫਿਦ੍ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਇਫਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਫਿਕ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਯੁਨ ਸੇਰੂ ਕਉ ਮਗੁਮ ਇਦਾ ਰਜਉ ਇਲੈਹਿਮ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਹਜ਼ਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ 303 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾ ਸਭ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਡੱਲਣ ਬੰਗਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਜਾ ਚੀਚਾਵਤੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਲਾਹੌਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੱਕਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਲਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾ ਸਰਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇਲਨਾ ਨਾਹਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਉਸੂਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੁਗਤ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਹਵ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਖੁਤਬਾਏ ਇਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੱਲੀ ਕੀਤੀ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਧੋਤਾ ਬਾਜ਼ੂ ਧੋਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਬੋਲੋ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰੋ ਵਮਸਹੂ ਬਿਰਊਸਿਕੁਮ ਵਅਰਜੁਲਕੁਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਹਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੁਤਬਾ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਦੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ ਪਏ ਬਸ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੀਨ ਲੈਣ ਡਏ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਦੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਲਿਗੂ ਅੰਨੀ ਵਲਉ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਸਨਦ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸਨਦ ਦੇ ਖਿਤਾਬਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਇਹ ਮਸਨਦ ਦੇ ਫਤਵਾ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਦਰਸੇ ਮਦਰਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾ ਫੱਕਹੂ ਫਿਦ੍ਦੀਨ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਸਮਝ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਸੇ ਨੇ
फोन ते भी करने जे सवाल ताकि उन्होंने एहसास हो दे कि इलम पढ़ना है। सवाल की है, नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने जिस वेले रमजान शुरू हुंदा फतेहत अब वाबुल जन्ना जन्नत के दरवाजे खोल दिते जांदे ने वहुल्ले कातिल अब वाबु जहन्नम जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिते जांदे ने वसुफे दाते शैतान वमारा दातुल जिन फरमाया शैताना नू ते मारे दे जिन्ना नू जकड़ दिता जांदा कैद कर दिता जांदा। ये हदीस तो सुनी है ना, बोलो ये हदीस सही है। इबने माजा च कुछ दा हिस्सा सही बुखारी च सही रवायत है। रमजान दे अंदर शुरू हुंदिया ही शैताना नू जकड़ दिता जांदा ते जिन्ना नू जकड़ दिता जांदा है। हुण हदीस दे विच आ गया शैताना नू जकड़ दिता जांदा जिन्ना नू जकड़ दिता जांदा ते रमजान दे अंदर फिर कईयां नू जिन चंबड़ दे क्यों ने जदों जो जिन्ना नू चंबड़ दिता जकड़ दिता जांदा ते रमजान विच कई लोगों नू बीबिया नू मर्दां नू जिन चंबड़ दे ने कि नहीं, बोलो। तो जो तू कैद कर दिते गए जकड़ दिते गए तो फिर चिमटे क्यों ने। एक बंदा जेले वे कैद है तो नाले आंदो इतने भी है, ये किवें जो कैद बेच ने तो फिर इतने किवें आ गए ने। तो शैतान बंदे दे दिल च वसवसे पाता बुराई दे ते जो वसवसा ने पा दिता है बुराई का, लेकिन रमजान में कैद कर दिता गया ते फिर रमजान च भी कई बंदे गुनाह करते ने क्यों करते ने। लो दो सवाल जे इन्हां दे जवाब लैने जे मुनकरीने हदीस तुहाडे पैगंबर ते इतराज करन रहे ने हर कलमा गोते दा जवाब वाजब है फर्ज है कि तुहाडे नबी ने कहा शैतान ते जिन जकड़ दिते जांदे ने ते जे जकड़े ने ते फिर रमजान वे बुराइयां कई बंदे क्यों करते रहे, जे जकड़े ने फिर लोगों नूं चिमड़दे क्यों ने। लोहणे जवाब देना जे मदरसियां तों हट के, क्योंकि मदरसियां दी लोड़ कोई नहीं, एवें फजूल बने ने की फायदा इन्हां दा। हाँ फिर आसा भी एवें इन्ना पैसा साल दा ला हटदे ने, की फायदा मदरसियां दा। इहो ही पैसा किसी होर काम ते लाओ, अस्पताल बनाओ, इहो ही पैसा होर काम ते लाओ, एम्बुलेंस बनाओ, इहो ही पैसा फलां जगह बनाओ। ठीक है, बड़ी चंगी गल है, फजूल ने मदरसे किस काम ने, बंद कर देने हैं। लेकिन तुहाडे नबी ते इतराज होया है, या तो मर जो जींदे ते या फिर जवाब दो, ते जवाब नहीं लभना जब तक मदरसे घुटने टेक के उस्तादा को पढ़ोगे नहीं। हुण सवाल ही रहन दिया कि जवाब ही दे दिया, चलो मैं जवाब दे लगा। सिर्फ तुहाडे कहते ने ना मेरा दिल ही करता सी तुहानू इंज ही मैं भजा भजा मारा, क्योंकि तुसीं मदरसियां नूं देंदे कुछ नहीं। अंग्रेज कहिंदा इन्हां दे मदरसे बंद करो, तुसीं आंदे हो देना कख नहीं, बंद करो। ओ मूंह भौंकदा बंद करो ते तुसीं आंदे हो नहीं है ही कोई नहीं। अच्छा यार एक गल जरा मैं सवाल का जवाब दे आ जाए, तुहाडे चो जिन्हें जिम्मेदार साथी ने गुस्सा नहीं करना, बस सवाल का जवाब है। जिन्ह जिन्ह ने कणक बीजी है, जड़े कारोबारी ने, जड़े ने कोल माल आउंदा है, जे तुसी कहो तो मैं कल लाहौर तो जकात कट्ठी करके तुहानू सारयां नू रुपया लख लख जकात का दे दें, मैं तुहाडे कोल लखाना भी है तो इत्थे बयान भी दवाना है, मैं फलाना बंदा लैन लगा जकात, की ख्याल है दुआ दें लाल थोड़े वास्ते हलाल है खा लोगे ना है। पंजा सत्तां जवाब दिता, बाकी का इरादा है लख का नाम सुन के कई मूँह च पानी आया। अच्छा भी खा लोगे, अच्छा जे मैं बाहरों ले आके तुहानू आखां जकात ले लो तो नहीं खाते, क्योंकि हलाल नहीं हराम है, तो जिहड़ा उशर फसल का निकलता घरे घुट जांदे हलाल है।
ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਸੀ ਮਦਰਸੇ ਦਾ, ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੇਬਾਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਲਾਲ ਏ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਾਤੁਨ ਬਾਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਜੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਸੂਰਾ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਲੌਲਾ ਨਫਰ ਮਿਨ ਕੁਲ ਫਿਰਕਤਿ ਮਿਨਹੁਮ ਤਾਇਫਤੁਲ ਯਤਫਕਹੁ ਫਿਦ-ਦੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਆ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵਹਾਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਦਾ ਰਜਉ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਫਿਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਇਜ਼ਾ ਰਜਉ ਇਲੈਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆਣ, ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਹਜ਼ਰੂਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਰਾਤੁਨ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾ ਸਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਫਾ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਫਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਬੂਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮਖਸੂਸ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੌ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਜੈਸੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਜੈਸੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੋਬਾਨ ਜੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਅਤੇ ਉਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਹਫਾ ਤਹਾਇਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਏ ਆਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਡਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਭੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੇਖੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਸਾਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਫ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा चो पता कराया एक कर दे अंदर दुध दा प्याला आया बतौरे तोहफा ते मेरे पैगंबर दे मदरसे दे जिन्ने शागिर्द ने तालिब इल्म ने भुखे ने ते आप भी भुख लगी आप दी अजवाज भी भुख लगी काश के उतर जाए तुम्हारे दिल में ये मेरी बात। हुण गल ध्यान ना सुनिया जे सारे नबी पाक अली सलाम नूं भुख लगी असी हम अपने घर वालियां नूं भुख लगी है लेकिन मेरे पैगंबर फरमांदे ने अबू हुरैरा जी आका फरमाया जिन्ने भी सुबां दे तालिब इल्म ने सारे बोला लै इन्हां नूं कतार दे अंदर बैठा दे फरमाया इन्हां नूं सज्जे हत्थों पे दुध दा प्याला पियाना शुरू कर दे फरमांदे ने मैं सारियां नूं दुध पिलाया आखिर ते मेरे आका फरमांदे ने आप पी लै मैं पी ताए फिर सारे शागिर्दां दा तालिब इल्मां दा जूठा मेरे सोने पैगंबर ने पीता है। नबी पाक नूं भुख बड़ी लगी है लेकिन नबी पाक अली सलाम ने सब तो ज्यादा तरजीह दी ते किन्ना नूं मैं तुहाडे मूंह चों गल कढ़ाणी चाहना किन्ना नूं जामिया मुहम्मदिया दे तालबे इल्मानू नबी पाक अली सलाम ने सब तो ज्यादा किन्ना नू तरजीह दिती है जामिया मुहम्मदिया यानी मस्जिद नबी दे तालबे इल्मानू जेड़े दूर दराज तो दीन सिखन दे वास्ते आए ने हुण सहाबा इकराम दी मैं तुहाडे सामने बात अर्ज कर लगा पहला नबी पाक दी एक होर हदीस भी सुन लिया जे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हजरत अली रजी अल्लाह दे रगबत दे लाम ते हजरत फातिमा आ जांदियां ने हजरत अली कहंदे ने फातिमा तू चक्की चलानी है ते हत्थां ते छाले पै गए ने ओ मेरे रूमा तो पानी दी मस्क भर के लियानी है ते तेरे सीने में दर्द शुरू हो गई है। नबी पाक को एक जंग तू कुछ कहती आए ने अपने अबू नू कहदे कि एक कैदी दे देवे ताकि गुलाम बन जावे ते साडी चक्की चला दिया करे पानी भर के लिया दिया करे ते तेनू सहूलत हो जाएगी। हजरत फातिमा कर जांदियां ने लेकिन मेरे पैगंबर नहीं मिले मैं सदे के ते वापस आ गईयां ने मेरे पैगंबर शाम नू आए हजरत फातिमा नू कहंदे ने बेटा की गल है हजरत फातिमा बोलियां नहीं शर्मा जांदियां ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने सारी गल सुनाई मेरे पैगंबर फरमांदे ने प्यारे बेटा जेड़े मदरसे दे तालिब इल्म ने तेरे नालों ज्यादा जरूरतमंद ने तेरे नालों ज्यादा जरूरतमंद ने बेटा मैं इन्हां कैदियां नूं सेल करांगा वेचांगा गुलामां नूं इन्हां नूं वेच के ते पैसे मैं लावांगा किदे ते मज्जां मियां मुहम्मदिया दे आवाज नहीं आई फिर नहीं आवाज आई मैं इन्हां नूं वेचांगा पैसे किथे लावांगा मदरसे दे तालबे इल्मां ते खर्च करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सक्की बेटी तो भी ज्यादा अहमियत दीती ते तालिब इल्मां नूं दीती है। दसो तुसी उसे नबी दा कलमा पढ़दे हो या किसे होर दा ते जिहदा कलमा पढ़ीए उहदी गल जिहदा कलमा पढ़ीए उहदे पिछे हुण दसो ध्यान रखोगे कि नहीं। अद्धियां दी आवाज आई है अगंदम आ रही है ध्यान रखोगे ना इस मदरसे का भी बुरे वाले भी जिन्ने ने अल्लाह अकबर हजरात ध्यान किवें रखने सुनन ईसाई बेच आंदा है जदों सहाबा इकराम दे फल पक जांदे खजूरां पकदियां अंगूर पकदे ने सहाबा इकराम उन्हां फलां दा पहला फल तोड़ के लिया के ते ना तालिब इल्मां नूं दिया करदे ने ते इत्थे नबी पाक ने किलियां बनाईयां सन किलियां दीवारां वे ठोकियां ने खजूरां दा गुच्छा आया उत्ते टंग दित्ता है कच्चियां पक्कियां खजूरां डोके पक्कण दे करीब टंग दित्ते ने
जड़ियां पक्कियां होनियां तालिबे इल्मां ने छड़ी ना लानियां खा लैनियां, जड़ियां पक्कियां नहीं दो चार दिन तक फिर वह पक जांदियां। एक दिन नबी पाक अली सलाम ने वेखिया रद्दी खजूरां दा गुच्छा ते मेरे पैगंबर नू वेख के बड़ा दुख आया। ओए अल्लाह दे बंदिया इन्हां मदरसे दे तालिबे इल्मां नू की समझ आई। नबी पाक फरमांदे ने जन्नत दे अंदर कोई चीज रद्दी नहीं होएगी, लेकिन अल्लाह ताला रद्दी खजूरां पैदा करेगा। ते जिहड़े बंदे ने दरवेशां दे वास्ते ना तालबिलमां दे वास्ते रद्दी खजूरां लिया के रखियां ने, अल्लाह इहनू कवेगा लै रद्दी खजूरां खा। ए कवेगा अल्लाह जिहदा नाम ही जन्नत, उत्थे रद्दी किवें? फरमाया जिवें दुनिया ते मेरे तालबिलमां नू दीन दे तालबिलमां नू रद्दी खवाइयां नी, उवें रद्दी खा लै। इहदा मतलब ए वे तालिबे इल्मां नूं सोहणा ते सुथरा लिया के देना। जदों बाजार जांदे हो ना आ खरबूजा आ रहा है ते तड़ी खरबूजा लै आवा बच्चियां वास्ते ते नाल तड़ी इहनां वास्ते भी लै आवा। अज तारीख नोट कर लो, माशाल्लाह लो ए ते काम होने शुरू हो गया है। माशाल्लाह मैं नहीं जा चंदे दा क्या, पर मैं दात देना इस बच्चे नूं। अल्लाह पाक इस बच्चे नूं बरकत देवे जड़ा समझ गया। मैं दीन बयान किया वो समझ गया। ये अपनी अपनी किस्मत है, कईयां नूं समझ आ गई है, कईयां नूं आ जाएगी, कईयां नूं होर ठहर के आ जाएगी। हजरात उन बात ना तवज्जो फरमांदे डाया ने, अर्ज कर दिता मेरे आ दोस्तां ते वीरां, मैं अर्ज कर रहा वा मदरसियां ना तावन करिया करो। जिदे कोल टाइम है टाइम देवे, जिदे कोल पैसे ने पैसे देवे, जिदे कोल जिनस है जिनस देवे। मदरसियां ना तावन करो ताकि मदरसे चलते रहन। जे मदरसे चलते रहनगे तो उलमा पैदा होणगे, उलमा पैदा होणगे, फिर दीन तुहानू समझाणगे। लो हुण मैं दसन लगा कि मदरसियां वे पढ़ना क्यों जरूरी है। हुण मैं उत्थे आवा, मैं दो चार गल्लां कर लईयां ने, मैं उत्थे आवा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने सुफेदा ती शैतान व मरादा तुल जिन, फरमाया शैताना नू जकड़ दिता जांदा है और मारिद किस्म दे जिन्ना नू जकड़ दिता जांदा है। हजरात उन सब तो पहले सोचना है वे शैतान किनू कहंदे ने। शैतान जिनस नहीं, वसफ है बुरा वसफ है। शैतान बुरा वसफ है। ये भावे हैवान बेच आ जाए वो भी शैतान, जिन्ना बेच आवे वह भी शैतान, जे किसी इंसान बेच आ जाए बोलो बोलो वो भी शैतान। क्यों? हुण जरा बात ते तवज्जो करदे डाया जे, ओ भी शैतान है। किवें शैतान है? हुण बात रा तवज्जो फरमांदे डाया जे, किवें शैतान है? हुण मेरे पैगंबर इस्लाम ने वेख्या एक कबूतर बाद कबूतर दे पिछे जा रहा, फरमांदे ने शैतान शैतान दे पिछे जा रहा है। क्योंकि कबूतर बाज जदों कि बाजी लगी होवे ना, ना नमाज की परवाह, ना रोजे की परवाह, ना दीन की परवाह, ना कुरान की परवाह, हत्ता कि उन्हों अपनी भुख की भी परवाह, प्यास की भी परवाह। पैरों में भजदिया कंडा चुभ गया, कहिंदा कंडा भी बाज कढांगा पिल बाजी ला ला। इहदा मतलब है शैतनत का मन हुंदा बागी होना, शैतनत का मन हुंदा हक तो दूर होना। जद कबूतर बाग वो कबूतर ने इनू दीन तो दूर रखिया, दूर रहन वाला दूर रखन वाला वो भी शैतान, वो भी शैतान। हुण गल समझ आई जे कबूतर शैतान क्यों? गुस्सा ना करिया जा, क्रिकेट की है? हुण तुहाडी तवज्जो ही नहीं हो रही। ये की है हकानी साहब? क्रिकेट का मैच लगा हो ना मसीदा ही खाली हो जाए, क्यों जी आप साहब? जलसे मुल्तवी नमाजा को नमाजा तो गए, जुमे तो गए, हत्ता के दुकान ते बैठा ना दुकानदार ते ध्यान ओदा टीवी च औचका लग गया। किलो चीनी दे बाबा अगली दुकान ते जा, उन्हें वेखना भी नहीं आया कौन,
अगली भावे बीबी बैठी बाबा अगली दुकान तक जा और लगे चौका वजन चलगा 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 एक ऐसी खेड है हैरान कौन गल है कई मौलवी बड़े शौकीन ने जिन्हें लोगों दसना सी शैतान जे वो आप शौकीन ने कानी साहब नूं पता होना है मौलवी साहब जुमा पढ़ाण आए टीवी लगा सी आ गया चेता हाजी साहब कहते ने सर टाइम हो गया है चलिए जुमा हाजी साहब एक मिनट है जरा चौका वेख लैंदे फिर चढ़ को लंघिया आप साहब चलो जुमा पढ़ाइए टाइम हो गया उत्तर हो गए आ छिका के वेख लैंदे हो टाइम लंघ गया एंड आ गया हुण गए जुमा पढ़ाण हाजी साहब जुमे तो बाद कहन लगे हाँ जी हजरत साहब फिर चौके छिके वल वेखे ने बल्ले जी बल्ले मजा आ गया उस अगे फिर साडा भी छिका अगला जुमा ना पढ़ाण आया अल्लाह अकबर शैतनत की है हक तो दूर होना दूर रहना होड़े माना मेनू कित्थों लब्भे मदरसे चो जे मैं मदरसा ना पढ़दा सिर्फ नाव ना पढ़दा मैनू लुगत वेखन दा पता ही नहीं सी आउणा मैं सिर्फ ना पढ़ी मैं लफ़्ज़ दा मादा कढ़िया मादा कढ़न दा पता उदो लगदा जदों सिर्फ ना पढ़ीए मैं मादा कढ़िया लुगत चो मैनू इहदा माना मिलिया माना मिल गया हुण मैं तुहाडे सामने बयान कर दिता हज़रात उन बात ते तवज्जो करिया जे है कुछ जनरेटर चली जावा के रुका चलो ठीक हो गया हज़रात उन बात रा तवज्जो कर दे जाया जे अर्ज कर दीता शैतनत दा माना की ये दीन तो दूर होना हक तो दूर होना या दीन दी बगावत करना बगावत कहंदे ने इनकार करना पीछे हट जाना हज़रात वे शैतनत दा माना हुण शैतान केड़ा है भावे हैवाना चो होवे भावे जिन्ना चो होवे ते भावे इंसाना चो होए शैतनत जेड़ा भी होवे उहदा काम है लोकां दे दिलां दे अंदर बुरे ख्यालात पैदा करने वसवसे पैदा करके लोकां नूं दीन तो हटा देना हज़रात किन्नू कहंदे ने शैतनत हुण जरा कुरान पाक सुनिया जे कुरान कहंदा है फरमाया कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास सुने पैगंबर तुसी कह दियो मैं लोगां दे रब ते लोगां दे इलाह ते लोगां दे मालिक दी पनाह विच आना वां केड़ी गल तो पना मंगना वा मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास जेड़ा लोकां दे दिलां दे अंदर वसवसे पांदा है ओदे शर्तों में अल्लाह दी पनाह लेना अल्लाह जी यो वसवसे फी सुदूर नास जेड़ा लोकां दे सीनियां विच वसवसे पैदा करदा है मिनल जिन्नत वन्नास भावे ओ इंसाना दे विचों ऐ भावे ओ जिन्ना दे विचों ऐ जेड़ा भी लोकां दे दिलां अंदर ख्यालात पैदा करे कादे दीन तो दूर रहन वाले बुराइयां करन वाले ऐ जिन्ने गवैये ने शैतान ने तवज्जो है भाई जिन्ने गवैये ने शैतान ने क्योंकि इन्हां दे गाने लोकां नूं बुराई ते उभारदे ने जिन्ने फिल्मां ते ड्रामे बनाउण वाले एक्टर ने शैतान ने क्योंकि इन्हां दीआं फिल्मां इन्हां दे ड्रामे लोकां नूं बुराई ते उभारदे ने दीन तो दूर करदे ने शैतान ने हज़रात जिहड़ा भी ऐसियां लोकां नूं मशवरे देवे लोकां दे ख्यालात दिलां विच पैदा करे दीन तो दूर रखण वाले बुराई करन वाले ओ भावे जिन्ना चोवे इंसाना चोवे शैतान है हुण गल दी समझ आ गई शैतान
ਮੇਰਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੈਤਨਤ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਡਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਐਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਨਤ ਹੁਣ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਗਾ ਦੱਸਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੁਨ ਸ਼ੈਤਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੈਤਨਤ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਨਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਨਤ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਦਾ ਖਲਉ ਇਲਾ ਸ਼ਯਾਤੀਨਹਿਮ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕ ਆਪਣਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਨਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਜਿੰਨ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਘੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਤਿੰਨ ਨਫਸ ਨੇ ਨਾ ਨਫਸ ਨਫਸ ਕੀ ਨਫਸ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਫਸ ਹੈ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਨਫਸੇ ਲਾਮਾ ਤੇ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਾਇਨਾ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਨ ਨਫਸਾ ਲਾ ਅਮਾਰਾ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਉਭਾਰਦਾ ਏ ਕੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੰਜੀ ਫਿਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਵਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਭਾਰਦਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁਣ ਡੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਣ ਉਹ ਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਸਵਸਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਉਹ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋ ਇਲਾਜ ਲੱਗਾ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਦੇ ਤਸਕੀਏ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਕੜ ਲੈ ਨੇ ਆੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਕੜ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੇ ਲੋਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇਰਾ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਜਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੁਨ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਡਾਇਆ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ
नबी पाक इस्लाम दे कोल एक बंदा आया ते मुस्लिम दी रवायत कहंदा सोने पैगंबर जी मैंने मां पढ़ना ते मेरे दिल अंदर बुरे बुरे ख्याल आंदे ने वसवसे पैदा हुंदे ने फरमाया एक खिंसब शैतान है जेड़ा तेरे दिल अंदर वसवसे पैदा करदा है जदों ऐसा मामला होवे तीन मरतबा तावज पढ़ आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम ये तीन मरतबा पढ़ के अपनी खब्बी साइड ते हल्का हल्का थुपकार दे कि तो चोखा ना सुटी मद नाल दे नमाजी नूं भरिया होवे थुतकार ने हल्का हल्का फरमाया ए कम कर ले शैतान दे वसवसे दूर हो जाएंगे हो गया इलाज हुण नफ्से अमारा है जेड़ा नफ्से अमारा तेरा खुला लगा फिरदा इनू रमजान दी भी शर्म ते हया नहीं आई इहदे अंदर भी तेरे तो गुनाह प्या करवांदा है किसे तो चोरी करवा रहा किसे तो बद किसे तो बेईमानी करवा रहा दुध वे पानी पवा रहा चौलां दे अंदर बासमती चौलां वे दूजे प्या मिक्स किसे तो कोई गलती करवांदा किसे तो कोई करवा रहा हजरात उन बात ते गौर कर दे डाया जे यानी एक बंदा ए गुनाह करदा बार बार एदे ते डटदा जा रहा दूसरा दूसरा गुनाह करदा ओदे ते बार बार डटदा जा रहा ये तेरा नफ्से अमारा है उन नफ्से अमारा दा इलाज की है नफ्से अमारा दा इलाज है रोजा रख रमजान दा रख रमजान तो इलावा भी जो तेरा नफ्से अमारा तेन गुनाह ते अमादा करे उदों भी रोजा रखिया कर क्योंकि नबी पाक फरमांदे ने रोजा अरबी अंदर सौम नूं कहंदे ने सौम दा माना की है रुकना तू फरमाया रोजा रखिया ही जबान दा रोजा रख जबान तो चुगली नहीं करनी है जबान तो गीबत नहीं करनी है जबान तो तू झूठ नहीं बोलना जबान दा रोजा रख अखां दा रोजा रख के बुरी नजर नहीं किसे ते रख अखां दा रोजा है फिर अपने जबान दा फिर अपने हथां दा रोजा रख हथां नाल अल्लाह दी ना फरमानी दा काम नहीं करना हजरात इसे तरह पैरां दा रोजा रख पैरां नाल बुराई वल टुरके नहीं जाना कन्ना दा रोजा रख के कन्ना दे नाल फिल्म दी स्टोरी नहीं सुननी ड्रामे नहीं सुनने पावे अर्तगुल ड्रामा क्यों ना होवे अर्तगुल ड्रामा जेड़ा ए ते रेशमे दी फिल्म तो भी ज्यादा खतरनाक रेशमे ही है मैं कहते ना तो नहीं गलत लैके चल जे गो भी जगह फिर कि मैं तो ना ही सुने अल्लाह अकबर क्योंकि एक टिकटॉकर जरा ना जाके खलोता से उन्होंने दिनों मैं किसी दसिया वेखो रेशमे न खलोता अजय जिदे जिदे कई भाभी बड़े शौकीन ने हजरात टिकटॉकर के शौकीन ने मत रेशमे समझ लो हजरात उन बात ना तवज्जो फरमांदे ना आजे जड़ी मैं बात कर रहे हो ते तवज्जो दे आजे तवज्जो करे आजे बात तुहाडे सामने की अर्ज कर रहा जिस वेले इना बुराइयां तो रोजा तू रखिया होवेगा तेरा नफ्से अमारा कहिंदा ऐ गुनाह कर लेकिन रोजा कहिंदा ना करी तेरा नफ्से अमारा फिर कहिंदा गुनाह कर रोजा कहिंदा रोजा खराब हो जाना ही जदों तू पूरे तरी दिन मशक करेगा तेरी आदत गुनाह हट जाएगी क्यों भी इलाज आ गया तुसी आखो के मौली साहब ये तो एक महीना है एक महीना ही तो अल्लाह वर्कशॉप लांदा पूरे साल वास्ते तैयार करता है ते फिर भी समझो ना कि नफ्से मारा तंग करन रहे है ते हर सोमवार ते जुमेरात दा रोजा रख लिया करो नबी पाक की सुन्नत ते अमल हो जाएगा फिर भी तंग करे फिर हर महीने की 13, 14, 15 चंदी का रोजा रख लिया करो फरमाया जिहड़ा अजामे 20 दे रोजे रखता है उन्हें पूरी जिंदगी दे रोजा का सवाब मिलता है नाले सवाब मिल गया नाले नफ्से अमारा कंट्रोल में हो गया ये अज तो मैं इशारे इशारे ना दसन दिया तफसील किसी दसांगा नफ्से अमारा की है नफ्से मुतमाइना की है नफ्से लामा की है ये नफ्सा की बास किसी करांगा इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है हाफिज़ शबाज़ साहब के मदरसे किसी करांगा रोजिया जवाब दे लोगे ना
जिहड़ा तुहानूं कुमन करीने हदीस कवे लो जे तुहाडे नबी पाक ने फरमाया है कि शैताना नूं जकड़ दिता जांदा है, जे शैतान जकड़े गए ने फिर गुनाह क्यों हुंदे ने, उहनूं आखो शैतान दा गुनाह, शैतान एक गुनाह ते नहीं उभारदा, उह कईआं ते उभारदा है, ते जिहड़ा तू एक ही गुनाह ते बार बार तेरे दिल च ख्याल आ रहा है, शैतान जकड़िया गया है, तेरा नफ्से अमारा खुला है, इहनूं जकड़। साढ़े नबी दी हदीस ठीक है, तेरे समझन दी गलती। अच्छा हुण दूसरा सवाल आ गया, मरादतुल जिन, लो जी जिन क्यों चबड़ देने, जिन मुसलमान जिन्ने इंसान ने ना, इंसान मुसलमान नहीं गैर सारे तमाम इंसाना नालो 13 गुना ज्यादा जिन्नात दी मखलूक है, तमाम इंसाना तो 13 गुना ज्यादा जिन्नात दी मखलूक है। इन्हें जिन ने उन्हां विच भी फिरके ने, उन्हां च भी मजहब ने, उन्हां च भी चंगे मंदे, उन्हां विच अच्छे भी ने, शैतान भी ने, और उन्हां विचों मारिद जिन केड़े ने, जिदी जमा मारादा ए जमा है मारिद दी, मारिद इसमें फाइल है, मारे तक की मान है मैं नहीं बयान करता, कुरान बयान कर लगा। सूरह सवाफात इन्हें चो लगा बयान कर, हजरात उन कुराने पाक चो सुनिया जे के क्यों जिन चंबड़ते ने, वेखो जी जिन क्यों चंबड़ते ने, लो बातरा तवज्जो कर दे जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमांदे ने, इन्ना ज़य्यन समा दुनिया बेज़ीनतिन कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्ले शैतानिन मारिद, ए मारिद आया जे, ला यस्समऊना इलल मलाइल आला व युकदफूना मिन कुल्ले जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन खतिफल खतफता फअतबअहू शिहाबुन साकिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमांदे ने के आसमाना दे करीब जड़े मारद किस्म दे जिन ने, शरारती जिन ने, ए उते जांदे ने आसमान दे करीब जाके अपने टिकाने बनांदे ने, उथे बह जांदे ने, जिस वेले माला ए आला अल्लाह दे फरिश्ते आसमाने दुनिया ते किसे अल्लाह दे फैसले दा ऐलान करदे ने, ए उन्हूं सुनना चाहते ने, ते अल्लाह फरमांदे ने असी इन्हां नूं सुनन नहीं देंदे, असी इन्हां नूं वाला कद सईम न समा दुनिया बेमा स्वाबी وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, असी सितारे तोड़ के इन्हां नूं मारने आ, दुहूरन असी इन्हां नूं भजाने आ, असी इन्हां जिन्हां नूं भजाण वास्ते असी इन्हां नूं मारने आ सितारे तोड़ तोड़ के, लेकिन इल्ला मन खतफा खतफा, जे फिर भी इन्हां विचों को एक अद्धी गल अगर इन्हें काबू कर लईए लैके नसद है, फअतबअहू शिहाबुन साकिब, असी फिर वड्डा सितारा फड़ के मारने नूं पिछों, कई सड़ जांदे ने, कई मर जां, आ तुसां वेख्या नहीं कि अग दा अंगारा बड़ी तेजी नाल जांदा है, ए हो जे फअतबअहू शिहाबुन साकिब। हज़रातुन कुराने पाक दे विचों पता चल गया, हदीसे पाक दे विचों पता चलिया, कुराने पाक चो वज़ाहत उहदी मिल गई है कि अल्लाह पाक किहड़िया जिन्हां नूं काबू करदा है, जिहड़े शरारती जिन ने, बाकी जिन खुले रहिंदे ने, जिहड़े बाकी जिन खुले रह गए आके चंबड़ गए कईआं नूं, हुण पता चल गया मारिद जिन, खास कर ओ शरारती
जिहड़े चोरी करन जांदे ने उन्हां जिन्हां नूं जकड़िया जांदा सारियां नूं नहीं जकड़िया जांदा उन्हां जिन्हां नूं क्योंकि उन्हां चों कई चंगे भी ने उन्हां नहीं जकड़िया जांदा इस वास्ते खुले रहिंदे ने जो साडे नबी ने फरमाया वह हक है वह सच है एवें ते शक करना बुरी बात आखिर ते फिर मैं अपनी बात नूं दोहरावांगा जिवें नबी पाक ने मदरसे दे तुलाबा नाल प्यार किया तुसी भी उस तरह प्यार करना आ तिना चौं बंदियां नूं प्यार आया बस नबी पाक दी हदीस भी उन्होंने समझ आई एक दो तीन चार पांच साढ़े पांच साढ़े पांच बंदियां नूं समझ आई है नबी पाक अली इस्लाम दी हदीस दी कि तालिब इल्मां नाल प्यार कीता बाकी दियां नूं समझ ते नहीं ना आई हदीस दी आई है ते जे आई होंदी ते फिर समझ इत्थे आउणी सी फिर समझ उत्थे ही नहीं रहनी चाहिदी इत्थे आनी चाहिदी है ते हुण मैं बयान खत्म करन लगा हजरत तकानी साहब दा बयान शुरू होना है ते जिन्हें दे स्टेज ऐलान करे तुहाडी जिहड़ी समझ आई है ना तुहानू वह फटाफट इत्थे आनी चाहिदी है वह इत्थे आ जावे ते अगों जिहड़ा उशर होना है वह भी इत्थे आ जाए जरूरी नहीं उशर अपनी पाक कमाई चो भी कढ लिया करो उशर तो इलावा भी दे दिया करो आ जिहड़े मुल दी लै के घरां च पांदे ना पड़ोले च वी मन पाई आ एक मन मदरसे भी कल दई तेरे भी अमणा की वेखी अल्लाह बरकत किवें पांदा आखिर दावा नाल अलहम्दुलिल्लाह।